हेलो एवरीवन, वेलकम टू लीड्स ग्रेड। आई होप यू आर डूइंग ग्रेट। अच्छा कर रहे होगे आप लोग। रिसेंटली बहुत सारी क्वेरीज आ रही थी इस चीज़ के रिगार्डिंग कि सर कॉलेजेस की लास्ट डेट्स को किस तरह से ट्रैक किया जाए, कौन कौन से ऐसे कॉलेजेस हैं यार, कब फिल करने हैं, क्या मैं मिस कर दूंगा उनको गलती से, तो उसको ट्रैक किस तरह से किया जाए। तो सारे पॉइंट्स को आज मैं कवर करने वाला हूँ इस पर्टिकुलर वीडियो में। मेक श्योर यू सब्सक्राइब टू द चैनल सो दैट आप सारी की सारी नोटिफिकेशंस देख सको, सारी वीडियोस को चेक कर पाओ एंड कोई भी वीडियो आपकी मिस ना हो पाए। काफ़ी सारे सेशंस भी कंडक्ट हो रहे हैं फॉर LRDA सेक्शन, क्वांट सेक्शन एंड VA सेक्शन एज वेल। कुछ हम वीडियोज़ अपडेट कर रहे हैं स्ट्रेटजी के रिगार्डिंग। मेक श्योर यू फॉलो देम, इट विल हेल्प यू अलॉट। ठीक, नाउ बात करते हैं कॉलेजेस की। तो यार कौन कौन से ऐसे कॉलेजेस हैं जिनके फॉर्म्स मुझे कैट से पहले भरने होंगे। बेसिकली तीन टाइप्स के कॉलेजेस हैं हमारे पास। एक जो है जो कैट से हमें पहले, मतलब हमने कैट दिया भी नहीं, हमें पता भी नहीं कैसा हमारा एग्ज़ाम गया है, उससे पहले ही हमें फॉर्म फिल करने होंगे। एक टाइप होगी कि कैट के बाद में और कैट रिजल्ट से पहले, तब हमें फॉर्म फिल करना होगा। एंड तीसरी जो कैटेगरी आती है मेरे पास कि मैं कैट के रिजल्ट के बाद में भी फॉर्म्स को भर सकता हूँ। ठीक है, तो तीनों के बारे में बात होगी बेटा। फर्स्ट ऑफ ऑल कि कुछ कॉलेजेस ऐसे होंगे जो आप कैट अपने दिया भी नहीं है, उससे पहले भी आपको फॉर्म फिल करने होंगे। वो ऐसे जो कॉलेजेस हैं उनके नेम्स हैं, फर्स्ट वन इज़ FMS, सेकेंड वन इज़ MDI एंड थर्ड वन इज़ SPJN। ये जो तीनों कॉलेजेस हैं, SPJN का लास्ट डेट 22 नवंबर है, तब तक आपको फिल करने होंगे। FMS का भी 2 दिन पहले तक होता है कैट के यूजुअली, और MDI का भी 2 दिन पहले से होता है कैट तक, और उसके बाद में ये डेट्स जो हैं वो दोबारा एक्सटेंड नहीं होंगी, ये बात मान के चलो। अगर कोई कॉलेज ऐसा है जिसकी डेट्स एक्सटेंड होंगी तो मैं जब भी वीडियोज़ उनकी अपडेट करूँगा तो मैं साथ साथ ही बता दूंगा। बट इफ़ यू टॉक अबाउट FMS, MDI, ये दोनों कॉलेजेस को डेट्स जो है वो कभी भी एक्सटेंड नहीं होती। अगर रिसेंट जो लास्ट ईयर्स का रिकॉर्ड अगर चेक करें तो उनकी डेट्स एक्सटेंड नहीं होती। एक बार डेट चली गई तो चली गई, उसके बाद में वो रीओपन नहीं होगी। नाउ हमने कैट नहीं दिया है, हमें पता नहीं यार पेपर कैसा आने वाला, हम कितना स्कोर करेंगे, तो हम कैसे फिल कर दें, कैसे हम जज करें कि यार मुझे फिल करना है या नहीं, क्या वो मेरे लिए कॉलेज है या नहीं। तो बेटा सिंपल सी बात है, जो जजमेंट तो हमें करना होगा, क्योंकि अल्टीमेटली हम ऐसा भी नहीं है कि बहुत ज़्यादा पैसा है अपने पास, हम कहीं पर भी किसी भी कॉलेज में इन्वेस्ट कर सकते हैं, कर देंगे। क्योंकि कैट के लिए बात क्या है कि बहुत सारे कॉलेजेस हैं, एंड अगर आप कोई भी कॉलेज फिल करना चाहते हो तो मिनिमम 2000 फीस तो अप्रॉक्स हर कॉलेज की है ही, इससे ज़्यादा ही इवेंचुअली पे करना पड़ता है, उससे कम बहुत रेयर कॉलेजेस हैं जिनकी इससे फीस कम हो। तो हम सारे के सारे कॉलेजेस तो फिल कर नहीं सकते हैं, तो हमें कुछ छांट के ही कॉलेजेस पिक करने होंगे कि हम उसका कॉलेज का फॉर्म जो है फिल कर दें। ठीक है, सो वो कैसे पिक किया जाए, आपको अपने मॉक स्कोर से जज करनी होंगी वो चीज़ें कि यार आपका हाईएस्ट स्कोर कितना रहा है मॉक में, आपका हाईएस्ट स्कोर क्या रहा है, आपका एवरेज मॉक स्कोर क्या आ रहे हैं इस टाइम पे, उस अकॉर्डिंग आप जज कर सकते हो वेदर यू वांट टू गो फॉर MTI और नॉट, वेदर यू वांट टू गो फॉर द FMS और नॉट, आप वहाँ तक पहुँच भी पाओगे या नहीं, उससे आपको काफ़ी ज़्यादा जज करने में ईजी होगा। अगर आप कभी भी 90-92% लेवल तक रीच किए हो इन द रिसेंट मॉक्स, आई एम टॉकिंग अबाउट IMS टाइम मॉक्स ओनली, कोई और मॉक मैं फॉलो नहीं करा रहा हूँ कि आप इस मॉक के अकॉर्डिंगली जज कर लो, यार आपने बुलजाई दे दिया आपके 99 आ रही है लेकिन IMS में आपके 80s आ रहा है, तो वो चीज़ नहीं कह रहा हूँ। आप IMS एंड टाइम दो, अगर उसमें से आपका 90-92 तक आता है तो आप MDI तो भर सकते हो। FMS के लिए देखो, अगर आपका 95 तक रीच कर रहा है, लास्ट टाइम से कुछ इंप्रूवमेंट आपको दिख रहा है कि यार हाँ आप अच्छे स्कोर पर पहुँच सकते हो, तो आप FMS का फॉर्म भी फिल कर देना साथ के साथ। एंड तीसरा जो कॉलेज है अपना SPJN, सेम वे में अपनी परसेंटाइल को जज करो यार कि हाँ मेरा एवरेज इतना परसेंटाइल आ रहा है, हाईएस्ट मेरा इतना मूव किया है, तो क्या मैं उस लेवल तक पहुंच पाऊंगा या नहीं। ठीक है, उस हिसाब से आप जज कर सकते हो। नाउ कैट से लेके कैट रिजल्ट्स तक हमारे पास कुछ कॉलेजेस होंगे, दैट विल बी DU के जो कुछ कॉलेजेस हैं दिल्ली यूनिवर्सिटी के, दैट इज़ DSC, TFS, MFC, ये जो कॉलेजेस हैं इनकी जो डेट्स होती है यूजुअली कैट रिजल्ट से 2-3 दिन पहले इनकी लास्ट डेट ओवर हो जाती है, तब तक आपको फिल करना होता है। अगर आपने वो मिस किया उसके बाद में वो रीओपन नहीं होती है और वो डेट चली जाती है। जो भी डेट्स होंगी इन सारे कॉलेजेस के रिगार्डिंग में एक एक वीडियो, फुल फ्लेज वीडियो अपडेट करूंगा रिगार्डिंग द कट ऑफ्स, फीस कितनी है वहाँ पे और आपकी प्लेसमेंट रिकॉर्ड क्या है, वो सारी चीज़ें अपडेट होंगी। बट वो जैसे जैसे उनकी नोटिफिकेशन आती रहेंगी कॉलेजेस की, मैं अपडेट करता रहूँगा। सो आप कोई भी अपडेट मिस ना करो, इसलिए मेक श्योर आप चैनल को सब्सक्राइब कर देना, वो चीज़ मत भूलना, अदरवाइज आपका मिस हो जाएंगी वीडियोज़ एंड आपको पता नहीं चलेगा कि लास्ट डेट कब है। नाउ हमारे पास बहुत सारे ऐसे कॉलेजेस भी रहेंगे जो कैट के बाद में भी, कैट रिजल्ट के बाद में भी हम जिनको फिल कर सकते हैं। उनके इसमें क्या होगा, जैसे हमारे पास कॉलेजेस हैं IMT, IMI, तापमी, फोर, गोवा इंस्टीट्यूट ऑफ मैनेजमेंट, KJS माया, विलिंकर, और भी काफ़ी सारे कॉलेजेस हैं, IITs हैं इसमें, निटी होगा, तो उनकी जो डेट्स होंगी एग्जैक्ट डेट्स मैं आपको अपडेट करता रहूँगा टाइम टू टाइम। बट IMT, IMI, तापमी, जो भी मैंने कॉलेजेस बताए इनमें क्या होगा कि कुछ डेट्स आएंगी कि दिसंबर में इस डेट तक
आपकी लास्ट डेट है आपको फिल करना है, देन वो डेट्स जो है वो एक्सटेंड होती चली जाएंगी होती चली जाएंगी, और आपको कैट के रिजल्ट के बाद में भी फिल करने का ऑप्शन मिलेगा। तो उसकी जल्दी मत करना कि यार बहुत जल्दी आपने फिल करने का ट्राई कर सोचा कि यार मैं फिल कर देता हूँ कहीं मिस ना हो जाए और अल्टीमेटली आपका उतना परसेंटाइल ना आए, या फिर आप उससे बहुत ज़्यादा अच्छा परसेंटाइल कर लो और आपको उन कॉलेजेस की ज़रूरत ना पड़े, तो अल्टीमेटली आपके पैसे फंस जाएंगे, आपके पैसे इन्वेस्ट हो जाएंगे उस चीज़ पर। तो वो चीज़ हमें नहीं करनी है, हमें सेंसिबली चलना है। और एक और चीज़ बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है कि यार कॉलेजेस कौन कौन सी फिल करनी है और कौन कौन सी कैटेगरी वाली कॉलेजेस में फिल करनी है। क्या मैं सारी कॉलेजेस फिल करूँगा? कैट रिलेटेड जो आईएम्स है मेरे सारे के सारे ऑटोमेटिकली फिल हो गए जैसे मैंने कैट का एग्ज़ाम फिल किया, लेकिन बाकी के जो कॉलेजेस हैं सारे टॉप जो 20 स्कूल्स हैं उसके लिए मुझे अलग से अगर फॉर्म फिल करने हैं तो मैं कौन सी कैटेगरी पिक करूँ और कैसे मैं वो कैटेगरी को पिक करूँगा। तो उस केस में हम क्या करेंगे कि हम हर एक कैटेगरी से, जैसे आपने एक अपना लोएस्ट परसेंटाइल पिक कर लिया कि यार इससे परसेंटाइल के नीचे वाले कॉलेजेस पे मुझे मूव नहीं करना है, तो उसको मिनिमम टारगेट मान लें। लेट अस सपोज दैट आपका मिनिमम जो टारगेट है वो 90 परसेंटाइल का कॉलेज है, तो आप 90 परसेंटाइल से लेके 95 परसेंटाइल वाले 2 से 3 कॉलेजेस फिल करोगे एंड 95 से आगे वाले जो कुछ कॉलेजेस हैं 2 से 3 वो भी फिल करोगे, सो दैट आप सेफ साइड लेके चलो। अगर आपका 90 से कम स्कोर आता है आप सोच लोगे कि यार मुझे अब नहीं जाना है, ये वाले कॉलेजेस मेरे बैकअप ऑप्शंस नहीं है, मैं दोबारा से ट्राई करूंगा या फिर मैं अपनी जॉब में देखूंगा। वो आपके ऊपर है कि आप मिनिमम अपना क्राइटेरिया क्या सेट करते हो। कुछ स्टूडेंट्स के लिए होगा मे बी कि मुझे केजीएस मैया मिल जाए मेरे लिए बहुत सही है, मुझे वेलिंकर मिल जाए बहुत सही है, तो वो सबका अपना अपना क्राइटेरिया होता है। तो अगर आपका वो टारगेट है तो आप 80 to 85 वाले दो कॉलेज देखोगे, 2 से 3 कॉलेजेस, 85 to 90 से 2-3 कॉलेज देखोगे, 90 to 95 2-3 कॉलेजेस देखोगे, इस तरह फिल करोगे, सो दैट वर्स्ट केस में आपको वो वाले कॉलेज भी सेफ रहें एंड अगर आप अच्छा कर दो तो आपको बेटर कॉलेजेस में भी ऑप्शन मिल जाए। तो इस तरह से कॉलेजेस की जो है पिकिंग करी जाएगी। डेट्स एंड ऑल अदर डिटेल्स मैं अपडेट करता रहूँगा टाइम टू टाइम। चैनल को सपोर्ट करते रहना, आपके सपोर्ट की बहुत ज़्यादा ज़रूरत है। चैनल को सब्सक्राइब करना, मेक श्योर यू शेयर विद योर फ्रेंड्स एज वेल। अपडेट्स आती रहेंगी, डेली बेसिस पे आती रहेंगी, जो जो भी कॉलेजेस की नोटिफिकेशंस आउट होंगी आई विल मेक श्योर कि विद इन वन डे उसकी अपडेट मैं चैनल पे कर दूं, सो दैट आप कोई भी नोटिफिकेशन मिस ना करूं। ठीक है जी। नाउ इफ यू टॉक अबाउट द एनमैट एग्जाम, एनमैट के लिए बेटा टेलीग्राम ग्रुप का फॉर्मेशन हो चुका है। जो फर्स्ट विंडो का जो एनालिसिस था मैंने वो भी अपडेट किया था। जो स्टूडेंट्स फर्स्ट विंडो में देने का प्लान कर रहे हैं उसको ज़रूर चेक करना, डिस्क्रिप्शन में उस वीडियो का लिंक है, आप वहाँ से चेक कर सकते हो। टेलीग्राम पे ग्रुप क्रिएट हुआ है फॉर एनमैट जिसमें हम इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस जो हैं, इंपॉर्टेंट वोकैबुलरी हैं, कंसेप्ट्स हैं जो भी इंपॉर्टेंट उनका डिस्कशन होगा वहाँ पे। एंड इसके अलावा एनमैट का जो मॉक 3 है वो भी लाइव हो चुका है। 2 मॉक हमने ऑलरेडी अपडेट कर दिए थे लास्ट वीक तक, इस वीक जो है वो 3rd मॉक भी लाइव हो चुका है। उनको 2 वो एग्जैक्ट कैट पैटर्न पे बनाए गए, थोड़ा सा टफ है एनमैट पैटर्न में बनाए गए, थोड़ा सा टफ रखेंगे एनमैट पैटर्न में, सो दैट आप लीनियंट ना हो जाओ अपने साथ। अगर आप वहाँ पे उन मॉक्स में 180 प्लस तक स्कोर करते हो तो आप एनमैट में इजीली 210 प्लस तक रीच कर जाओगे, आपको ज़्यादा प्रॉब्लम्स फेस नहीं करनी पड़ेंगी। सो मेक श्योर आप उन मॉक्स को दो, उनसे सीखो, प्रोसेस सीखो यार किस तरह से मुझे मॉक्स अटेम्प्ट करना चाहिए एंड आगे प्रोसीड करो। ठीक है, सो दैट विल बी ऑल फ्रॉम माई साइड फॉर दिस पर्टिकुलर वीडियो। नेक्स्ट वीडियो में और सेशन में मिलेंगे, आज के लिए इतना ही। थैंक यू, सपोर्ट करते रहना अपना, हैप्पी लर्निंग, बाय बाय।